कहा कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया अबकी बार? विकास के लिए, मोदी के नाम पे। जिस सही पूछ लो आप, उसने मोदी के नाम पे वोट करा। भाजपा को वोट नहीं मिला, कांग्रेस को नहीं मिला, सपा को नहीं मिला, किसी पार्टी को वोट नहीं मिला, सिर्फ मोदी को मिला, और वो भी इसलिए कि वो ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा, लेकिन सर विपक्ष तो ये कह रहा था कि जो मोदी ले रहा है वो खत्म हो गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो परिणाम आपके सामने है, 350 सीट से ज्यादा आएगी। अगर ना कहीं लहर होती तो आती इतनी सीट। मेन बात लहर तो मोदी की थी, क्या होता था पहले नंबर ऑफ एमपी पीएम बनाते थे, अब की बार पीएम ने एमपी बनाए हैं, ये है लहर। उसने कहा मुझे, मैं उसने ये कहा कि जो आप वोट कर रहे हैं वो मोदी को वोट कर रहे हैं, ना कि किसी एमपी एमएलए को वोट कर रहे हैं। ये बताइए जो कांग्रेस पार्टी थी उसका भविष्य क्या होने वाला है? उसका भविष्य तो बिल्कुल जीरो है जी, खत्म है जी, खत्म होने वाला है बिल्कुल, उसका कोई भविष्य। आप क्या कहेंगे? तो सभी प्रचार मोदी के लिए करते, विपक्षी मोदी का ही प्रचार कर रही थी, हर कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सब आदमी जो है मोदी मोदी, सब आदमी मोदी मोदी कर रहे थे, विपक्ष भी हर पक्ष भी। अच्छा ये बताइए, गठबंधन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या लगता है इन दोनों पार्टियों को क्या करना होगा कि जनता के बीच इनकी छवि बन सके? पहले तो अपने काम को सुधारने पड़ेंगे, आदत अपनी व्यवहार को सुधारना पड़ेगा, दूसरे के पक्ष प्रति जो व्यवहार रखे हैं हमें उसको सुधारना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को सुधारना पड़ेगा। अच्छा, जैसे जाति धर्म की राजनीति या पार्टियां करती थी, आपको नहीं लगता कि इस बार जो है जाति धर्म का सारा समीकरण टूट गया है? नहीं, जाति धर्म का सभी समीकरण टूटा हुआ ही है, अब तो सब मुसलमानों ने, सब ने मिलकर एक तरफ वोट दिया है, जाति वाले तो कोई बात ही नहीं रही इसमें। अच्छा सर, क्या कहेंगे कैराना की जीत पर? कराने की जीत पे तो ठीक है, ये तो जाति धर्म का तो कोई इसमें बात ही नहीं है, कोई जाति धर्म को है, जो जो वोट दिए हैं अब किसी कैंडिडेट को नहीं दिए हैं, सिर्फ मोदी को वोट दिए हैं, जो आम आदमी ने दिए हैं, तो मोदी को वोट। क्या कारण रहा कराना सीट पर जीतने का? कराना सीट पर जीतने का है जो मोदी का विकास, जो मोदी ने विकास किया है, ये कारण रहा है उसका। लेकिन उपचुनाव में तो हरा दिया था आपने। उपचुनाव में इसलिए हरा दिया था, जो ये GST लगाई थी, ये नोटबंदी करी थी, इस वजह से पब्लिक नाराज थी, इस वजह से हार गए। GST नो तो अब भी है, असर तो अब भी है, अब तो ठीक है, अब तो इसका सही उपयोग हो रहा है, पहले सही उपयोग समझ नहीं रही थी पब्लिक, आम जनता जो थे समझ नहीं रही थी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है जो जीत हुई है लगभग 350 के पार मोदी की, क्या कहना चाहेंगे इसको? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो सपा का बसपा का लोकदल का गठबंधन हुआ है, ये आपसी कारनामे छुपाने के लिए हुआ था कि भाई मतलब सारे इकट्ठे हो जाओ ताकि थारी पोल ना खुले। आप पूरे भारत में देख रहे हैं, मतलब ये वो कोई सा भी स्टेट है, ये तो खाली कराना सीट है। अच्छा, जहां तक रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव में BJP वाले ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक साल का इलेक्शन था और इनका गठबंधन भी देखना था कि भाई मतलब ये तीनों इकट्ठे हो रहे तो मतलब शायद ये एक साल में कुछ कर सके, इसी वजह से तीनों सीट हारे हैं, ओलपुर की भी, कैराने की भी और बिजनौर वाली विधायक वाली भी। लेकिन तीनों में ही मतलब कोई सा मतलब कुछ अपने ये क्या कहते हैं उसको अपनी जो है कि तुम्हारी मतलब पेंशन बन जाएगी और अपना जो है तुम सांसद बन गए और अपना जो है घर लौटो। पब्लिक बेवकूफ नहीं रही अब जा, मतलब किसी बिरादरी में देख लो, जितनी भी नई जनरेशन है वो सब पढ़ी लिखी है और समझदार है, वो देखती है कि मतलब जो है उसका भविष्य कहाँ है। क्या लगता है आपको जो इस बार है कैराना में सारे जातिगत समीकरण टूट गए हैं? समीकरण तो कैराना सीट पे नहीं, मतलब जे पूरे भारत में ही समीकरण टूट रहे। अच्छा, जैसे जो पार्टी थी पहले राजनीति करती थी धर्म को लेकर, जाति को लेकर कि मुस्लिम हमें चाहिए, दलित हमें चाहिए, अब क्या लगता है भविष्य क्या होगा इन पार्टियों का? अब तो जो काम करेगा उसे वोट मिलेगी, है नहीं मानते? अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूपी के अंदर एक सीट मिली, यूपी के अंदर तो अगली बार चुनाव होंगे, मतलब ये भी शायद ना मिले, पिछली बार ढाई लाख वोटों से जीती थी, मतलब ये अब की बार 1.25
है मतलब ये आधी होगी जो भी मेरा मतलब रायबरेली की। और अगर जो यह भी आ जाती तो कोई मतलब अचंभे वाली बात नहीं थी, क्योंकि कारण है एक, मैं आप पे झूठा इल्जाम लगाने लगूं, कहने लगे आप तो ये फ्रॉड कर रहे हो हैं। अच्छा, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है कांग्रेस के पास तो। अच्छा सर, कह रहे थे कि जो इस बार मोदी का विरोध है यूपी में केवल 30 या 40 सीट आएगी लेकिन 60 सीटें पार हो गई, क्या कहना चाहेंगे? ये तो विपक्ष का। अच्छा, दूसरी बात एक हो रहा है, मान लिया जो है अब एक कमरे में मान लिया जो है आपने, इन्होंने और मैंने तीन जनों ने मिलकर सलाह कर ली, तीनों अलग अलग बिरादरी के हैं, तीनों अलग अलग पार्टी के हैं, हम तीनों ही तो मिले, पब्लिक से तो नहीं सलाह ली, पब्लिक से तो नहीं जुड़ा हुआ कि भाई जो मतलब इन पार्टियों के कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं मे भी मतलब इनके साथ जुड़ेंगे नहीं, आज गुलाम नहीं है कोई किसी का, आप बताओ मुझे। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा था कि यूपी में अब की बार 60 पार हो पाएगा लेकिन हो गया? हमें तो 50 सीट लग रही थी जी, 60 आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छा कारण रहा 60 सीट आने का? सब मोदी ले रहे हैं, मोदी को वोट करा लोगों ने, और विकास हिंदू सब हिंदू मुसलमान सबने वोट दिया मोदी को, जब ये तो इतनी सीट आई। सर क्या कहना चाहेंगे जो 60 सीट? देखो लोग भाग हो गए जागरूक, ठीक है, अब सीधी सी बात है जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा, सीधी सी बात है। पहले क्या था, एक क्वार्टर में वोट बिक जा रही थी, अब 72,000 में नहीं बिकी, अजी 72,000 में नहीं बिकी, उसने तो कह दिया था कि 72,000 दूंगा, नहीं चाहिए भाई, लोग वाक कमा के खा लेंगे। राहुल गांधी ने 72,000 का लॉलीपॉप दिया, जनता ने नकार दिया, क्या कारण रहा? पता था यार, अरे बात क्या है, हमें सीधी सी बात है हराम करनी चाहिए, बाप अपनी कमाई का ले रहे, बात खत्म होगी, 72,000 ले करेंगे क्या हम, अब सबको 72,000 मिल जाएंगे, सब अपने घर बैठ जाएंगे, कोई काम करे ही नहीं, काम चोर हो जाएंगे सब, अरे कम से कम रोजगार चाहिए हमें तो, 72,000 थोड़ी चाहिए। अच्छा सर, प्रियंका गांधी भी राजनीति में आई थी लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? सब मोदी के सामने सब जीरो हैं, आने वाले समय में भी जो विकास करेगा उसे वोट मिलेंगी। एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी योजनाएं हैं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वे योजनाएं अभी पब्लिक तक आते आते मान लें 2.5 लाख रुपये मिल रहे, तो 2.5 लाख में भी रिश्वत जारी, लोग एक गरीब आदमी का मकान बनना वो उससे पहले ही 20% कमीशन लिया जा रहा, जनधन योजना है उसमें अकाउंट खुल गया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो लोन के लिए जा रहा बैंक में उससे कहेंगे भाई तेरा 5 लाख का लोन पास कर देंगे, लाओ 20%, इतनी रिश्वत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर इस ओर ध्यान ना दिया गया तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, 2019 में क्या अपेक्षा है आप लोगों को मोदी जी से? बस ये विकास हो, हर घर घर जो सिलेंडर का काम इन्होंने करा और ज़्यादा मात्रा में हो, लोन है वे ज़्यादा मात्रा में दीजिए जिससे कि लोग उस पैसे से रोजगार कर सकें और अपना वर्तमान अच्छा बना सकें। अच्छा, योगी फैक्टर कितना असरदार साबित हुआ हैं? योगी फैक्टर कितना असरदार साबित हुआ इस चुनाव में? किसी का कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ मोदी नाम को वोट मिला है। आप किसी से बात करो लोग कहते हैं कि मोदी को वोट दिया, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है। क्या कहना चाहेंगे? देखो कहना तो ये है भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितनी भर्ती रुक रही, जिन पर रोक लग रही, ये सारी बहाल करी जा, ठीक है, रोजगार दिए जा। और दूसरी बात विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई GST नोटबंदी और मोदी छोड़ कर जनसंख्या का विरोध करें, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और अपना देश की तरक्की हो, ठीक है, मेन है जनसंख्या नियंत्रण। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी ना रोजगार होगा ना कुछ होगा, जनसंख्या तो इतनी बढ़ रही, रोज चाहिए ना रोजगार, कहाँ से मिल जाएगा रोजगार? अरे कम से पहले तो देख लो किसी का 2 बच्चे, किसी का 10 बच्चे, किसी का 20 बच्चे, अरे ऐसे थोड़ी रोजगार मिलेगा। अरे अपना भी पहले खुद भी तो सोचो, अपने आदमी को पहले खुद समझदार होना पड़ेगा, रुपये कहाँ तक कितना रोजगार लाएंगे। जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा है कम हुआ है? नहीं, जो पहले था मतलब कांग्रेस के राज में उससे तो कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम कम हो जाएगा। मेन बात भ्रष्टाचार की तो ये है, मैं वही तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार जो बढ़ा रखा है ना हमने बढ़ा रखा भाई, अपना काम करवाने के लिए हम रिश्वत दे रहे हैं, ये तो हमारी गलती है। मैं भ्रष्टाचार की तरह अगर हम अपना काम निकलवाना तो पैसे देते हैं, बढ़िया भ्रष्टाचार, अधिकारी तो भ्रष्ट है ही, लेकिन थोड़ा पब्लिक को भी मतलब जे जब मान लिया जे कोई रिश्वत नहीं देगा, योजना तो बहरहाल ऊपर तक आएगी तो वो तो वितरित करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है। मान लिया जो है 2 जने जावे, अगर जो कोई रिश्वत मांग रहा तो उसकी वीडियोग्राफी करे,
वो ऊपर भेज जाए, मतलब ऐसा ऐसा जो है इसको, मतलब ये अगर जो कार्य मतलब क्रियान्वयन तो हो, पब्लिक जागरूक हो, इसमें पब्लिक को सहयोग करना पड़ेगा। 2019 में क्या अपेक्षाएं करते हैं मोदी जी से? क्या देखो जी, 2014 से लेकर 2019 मार्च तक तो जो चारों तरफ की मतलब ये सीमाएं सुरक्षित करी हैं, ये बहुत बड़े बात है। आज तक मतलब ये कभी वो देश हमला कर रहा है, कभी वो हमला कर रहा है, कभी वो हमला कर रहा है। अब ये जो बालाकोट कांड हुआ, इसमें जो सारे विदेश मतलब चारों तरफ के देश मतलब जो मोदी जी के साथ खड़े हुए, वो क्यों हुए? वो मोदी जी की वजह से हुए, क्योंकि एक आदमी के अंदर कट्टर था कि हाँ भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है। आज तक इन्होंने किसी भी पार्टी ने नहीं करा, किसी ने क्या मतलब, और किसी को तो मौका ही नहीं मिला। वो कांग्रेस का वंश वाला जो भले ही ना रहा हो प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो उसकी स्टैंप रहा कांग्रेस की। क्या लगता है जो वंशवाद है, परिवारवाद है, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी अब? देखो जी, मतलब ये पप्पू तो पास होने दे रहा, क्योंकि 50 साल की उम्र होली, ये बोर कद को पास होगा, ये तो फैल है। रही प्रियंका वाड्रा की, भाई माँ की शकल बेटी ते मिले, बेटी की शकल बाप ते मिले, जो बाप में गुण है वो बेटे में नहीं आने के, जो माँ में गुण थे वो बेटी में नहीं आने के। ये खुद सारी जमीन हरियाणा की खा गए। आज मतलब ये 5-5 मुख्यमंत्री हार गए हरियाणा में, क्या कारण है? अच्छा, अब क्या करना होगा? जितने भी विपक्षी पार्टी है दोबारा सत्ता में आने के लिए क्या करना होगा उनको? क्या करना होगा? उन्हें पब्लिक का सहयोग करना पड़ेगा, बदमाशी से नहीं। अकेले बजे अगर हम तो सपा के हैं या हम तो बसपा के हैं, और वह खाली इल्जाम लगा दिया कहने जी वहां हो गया और वहां हो गया। अब जितने भी मतलब स्वतंत्र के करीब के खिलाफ केस हुए जी, जिन्होंने मतलब ये वीडियो पोस्ट करी है गलत के, वहां हो गया जी, वहां स्वतंत्र के खिलाफ मतलब ये केस दर्ज हुए है। अच्छा, पहले जैसे जाति के नाम पर वोट मिल जाता था, अब क्या लगता है नहीं मिलेगा? नहीं मिलने का। अब तो जो है जो मतलब समाज को बांटने वाले हैं उन्हें मतलब कोई पूछने का। सर क्या कहेंगे, जैसे पहले जाति के नाम पर वोट मिल जाता था कि हमें वोट दीजिए, मुस्लिम हमें दीजिए। दोबारा राजनीति में आना है तो इन्हें समाज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे भाई चमारों की वोट चाहिए या मुसलमानों की वोट चाहिए, वोट तो सबकी मिलेगी, पर पहले समाज को एक साथ लेकर चलेंगे तभी राजनीति बचेगी, नहीं कि राजनीति नहीं बचने की। सीधी सी बात है, बात ये करता है कि मुझे मुसलमानों की वोट चाहिए, मुझे चमारों की वोट चाहिए। अरे समाज को एक साथ लेकर चलो, जातिवाद छोड़ दो, ये तो अपने राजनीति के चक्कर में हमें भिड़ा देंगे। जो परिवारवाद था, वंशवाद था, क्या लगता है उसकी राजनीति अब खत्म हो जाएगी? राजनीति तो खत्म होगी, अरे ना करनी पड़ेगी अगर दोबारा सत्ता में आना तो। मेन बात लोग बाग हो गए जागरूक, सबको बता भाई मैं मंत्री, मेरा बेटा मंत्री, ये यादव सारे नेता बन गए, ठीक है, मायावती मायावती के भतीजे बालक सब जो भी है ये सब नेता बन गए। अरे कम से कम और को भी तो चांस दे, युवा वर्ग थोड़ा है देश में, और दूसरों को चांस दे, मेरे नेतागिरी मांगे वे देश के लिए विकास करें, जब इनके पास की कुछ है नहीं। गठबंधन का भविष्य कुछ नहीं, अगली बार ये गठबंधन करे भी नहीं। गठबंधन तो फैल हो लिया, जितना चलना था चल लिया, हवा थी बस, वो लोगों को पता लग गया गठबंधन की सरकार कभी नहीं चली, ना आज तक चली ना कभी चले, लिखवा के ले लो, क्यों आज तक चली गठबंधन की सरकार आज तक चली ही नहीं। सबको पता दोबारा इलेक्शन होंगे, ये है अभी क्या था, अभी डिबेट था, मुझसे बात हुई थी, मैं कह रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि मुझे बता दो मैं कैसे वोट दे दूं सपा सरकार को, जब तुम्हारी सरकार में मायावती सुरक्षित नहीं रही, मायावती दावली थी उन्होंने, जब मायावती सुरक्षित नहीं रही आम जन तो क्या सुरक्षा दे देंगे भी? अच्छा एक बात बताइए, जब कैराना में उपचुनाव हुआ तो तबस्सुम बेगम यहाँ से जीती, फूलपुर जीते, गोरखपुर जीते, अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन दोबारा फिर बीजेपी जीत गई यहाँ से। बदलाव कर तो दिया बदलाव उन्होंने, उपचुनाव में जिता दिया फिर बदलाव कर दिया, ये तो बदलाव था, और क्या बदलाव था? मेन बात जातिवाद तो छोड़ दी, खत्म कर दिया लोगों ने। लोग क्या है, अगर ये होता कि भाई हिंदू बीजेपी में है या मुसलमान सपा में है तो कभी बीजेपी आती नहीं, ठीक है, ये है सब इकट्ठे हो गए एक साथ चले और बीजेपी को जीता, क्यों देश को क्या था सब सोच रहे, ये
ये प्रदेश के इलेक्शन तो है नहीं, ना शहर का इलेक्शन है, ये देश के इलेक्शन, क्यों एक मजबूत नेता की जरूरत थी, वो लोगों ने चुन लिया। अच्छा, जो मोदी मैजिक था यानी वो पूरा कामयाब हुआ? बिल्कुल कामयाब, 100% कामयाब हुआ। बता तो रहा मैं, पहले एमपी प्रधानमंत्री बनाते थे, अब प्रधानमंत्री ने सारे एमपी बनाए हैं, मेन बात मोदी फैक्टर है और कुछ नहीं है। हाजी क्या कहेंगे प्रदीप चौधरी को, मोदी नाम का कितना फायदा मिला? वो पहले भी मतलब ये विधायक थे, अच्छी छवि के आदमी है और उम्मीद है कि मतलब जो अच्छा काम करेंगे, भली चाहे वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा ये बताइए, उन्हें मोदी के नाम पर वोट मिला या अपने नाम पर वोट मिला? वोट तो जो है मोदी के नाम पे मिला जी, मतलब जो वो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा नेता है या कितना भी छोटे से छोटा नेता है या नया आदमी है, मोदी में विश्वास है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये विश्वास जीतने के लिए मोदी जी ने बहुत तपस्या करी, बहुत काम करे। अच्छा उपचुनाव में गठबंधन जीत गया था, अखिलेश जी कहते थे कि बदलाव चाहिए। हाँ तो हो गया ना बदलाव, हो गया। न्याय भी चाहिए था। हैं? आज राहुल गांधी कहते हैं कि अब होगा न्याय, 72,000 हैं? अब होगा 72,000 और अब होगा न्याय। अब तक मतलब जो 14 से पहले अन्याय हुए, जो अब ये न्याय कह रहा, कहना अब होगा न्याय, सबको बेकारा करना चाह रहा अपनी तरह। मेन बात क्या है, सबको यही था आंकड़ा कि भाई 45-50 सीट आएगी, ठीक है। जो ये 60 पार हुई ना, ये सिर्फ कांग्रेस की और सपा की खामियों की वजह से हुई। जो इनके भाषणबाजी है ना, ये जो कह रहे थे कि चौकीदार चोर है यार, ये पता नहीं क्या क्या, ठीक है, योगी जी को भी बहुत कुछ कहा, तो इनकी वजह से ही ये हारे। जो सीट बढ़ी बीजेपी की, इसी वजह से बढ़ी, क्यों लोग उनको समझ गए कि यार इन्हें बोलने का तो पता नहीं, तहजीब तमीज इन्हें है नहीं, कहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्यों प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, जो इनमें कैपेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल किसी में। अच्छा, कैरेना का मेन कारण क्या रहा जीतने का? कैरेना का मेन कारण तो सीधी सी बात है, सुरक्षा, क्यों आए दिन फिरौती रंगदारी यही होता था, और अब कुछ नहीं है, शांति से लोग अपना काम कर रहे, व्यापार कर रहे, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। आए दिन अपहरण होते थे, गोली लगती थी, यही था, और क्या था, कराने में कुछ भी नहीं था, अब आराम से सब एक साथ रह रहे, तमीज से रह रहे। योगी जी का कितना रोल है भाई? मेन तो योगी जी का ही है, क्यों आज के टाइम में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कह रही है कि जो अनुशासन यूपी में है, क्यों हरियाणा और सरकार को और पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि जो अनुशासन यूपी में है वही अनुशासन इन प्रदेशों में चाहिए। मैंने बात योगी जी नहीं करा, जो भी करा, अरे कितनी बदमाशी थी, लूट खसोट रोज ड्रामा यही रहता था, अब कुछ भी नहीं है।